मिथुन चक्रवर्ती के फैंस को परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है। 73 साल की उम्र में मिथुन चक्रवर्ती को अचानक सीने में तेज दर्द होने के बाद अस्पताल में एडमिट किया गया। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल मिथुन को शनिवार सुबह सीने में दर्द की शिकायत के बाद कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्टर के एक करीबी ने बताया कि सुबह से मिथुन काफी असहज महसूस कर रहे थे और इसलिए उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं एक्टर के बेटे ने मिथुन का हेल्थ अपडेट दिया है। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मीमो चक्रवर्ती ने एक न्यूज से बात करते हुए एक्टर का हेल्थ अपडेट दिया है। मीमो ने बताया, पापा 100% फाइन है और यह रूटीन चेकअप है, लेकिन आपके कैंसर के लिए थैंक यू। वहीं अस्पताल में मौजूद मिथुन के करीबी का कहना है कि मिथुन को लेकर घबराने की कोई बात नहीं है और वह ठीक है। सूत्र ने यह भी कहा कि फिलहाल मिथुन को अटेंड कर रहे डॉक्टर्स उन सभी टेस्ट कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि मिथुन को सीने में दर्द उठा था, मगर अस्पताल में मौजूद करीबी सूत्रों ने इसे इनकार करते हुए उन्हें असहज महसूस करने की बात कही। आपको बता दें, हाल ही में मिथुन को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान सरकार ने किया था। एक्टर और पॉलिटिशियन ने इस खबर के बाद अपनी फीलिंग जाहिर करते हुए बंगाली में एक वीडियो में कहा, मुझे गर्व है, यह पुरस्कार पाकर खुश हूँ। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने कभी किसी से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। बिना मांगे कुछ पाने की अनुमति आज मुझे हो रही है। यह बिल्कुल अलग एहसास है। यह बहुत अच्छा एहसास है। इस बीच मिथुन के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर को आखिरी बार मोनी रॉय, सुभाश्री गुलजारी, सरस्वती चटर्जी और पूजा बनर्जी के साथ डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस में जज के रूप में देखा गया था। एक्टर को आखिरी फिल्म रिलीज बंगाली फिल्म काबुली वाला थी। यह दिसंबर 2023 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशन सुमन घोष ने किया है। फिल्म के बारे में हिंदुस्तान टाइम्स बंगला से बात करते हुए मिथुन ने कहा, काबुली वाला कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसे मैंने यूं ही करने के बारे में सोचा था। हालांकि यह एक बंगाली फिल्म है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह एक बंगाली भाषी अफगान के बारे में है, ना कि एक बंगाली भाषी के बारे में। आजकल हर कोई हर चीज को बहुत बारीकी से देखता है, इसलिए यह बहुत बड़ी बात थी। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक अफगान बंगाली सीखता और इसे हिंदी और बंगाली के मिश्रण से बोलता है। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।